We will start from the term matter. Now, what is matter? कोई भी ऐसी चीज जड़ी जगह के रे तो उधर कोई ना कोई पार होवे उन्हों आप की कहने हैं matter. कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसका कोई ना कोई भार हो उसको हम क्या बोलते हैं मैटर. मैटर को हम पंजाबी में पदार्थ कहते हैं. मैटर मींस पंजाबी में मैटर को हम क्या बोलते हैं पदार्थ. तो मैटर जो है वो किसको कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरे और उसका कोई ना कोई क्या हो भार हो. अगर हम बात करें एक बिल्डिंग की जी बिल्डिंग है वो किस तो बनी है तो आप कहोगे जी बिल्डिंग है वो बनी है ब्रिक्स तो. फिर आप कहेंगे ब्रिक्स किस तो बनिया ने आप कहेंगे ब्रिक्स बनिया ने मिट्टी तो दैट इज सॉयल तो. हूँ जो सॉयल की गल करिए सॉयल का एक कैमिकल फॉर्मूला सॉयल बनी होंगी है सिलीकॉन डाइऑक्साइड सॉयल बनी होंगी है सिलीकॉन डाइऑक्साइड तो. जो हूँ कोई बच्चा पूछे सिलीकॉन डाइऑक्साइड की तो बने तो टीचर कहेगा कि सिलीकॉन डाइऑक्साइड बने सिलीकॉन ते ऑक्सीजन तो. ये बने सिलीकॉन एंड ऑक्सीजन तो. अगर कुछ है सिलीकॉन किस तो बने तो सिलीकॉन बने सिलीकॉन दे एटम्स तो. सिलीकॉन की तो बने सिलीकॉन दे एटम तो. एटम अगे की तो बने तो आप कहिए एटम की है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. एटम की है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. ऑक्सीजन बने ऑक्सीजन दे एटम्स तो. हूँ एटम की है आप ये डिस्कस करते हैं तो ये आप सब तो पहले स्टार्ट करते हैं मैटर तो. कोई भी यही चीज जड़ी जगह के रेते होता कोई ना कोई भार होवे उन्हों आप की बोलते हैं मैटर. मैटर मतलब कोई पदार्थ. अगर आप कोई भी चीज़ ले लिए उदे आप छोटे तो छोटा टुकड़ा करी जाइए मान लो अपने को आ चीज़ है इनू आपने छोटे टुकड़िया के तोड़ता तो यदा छोटे छोटे पीस आ होंगे जे इनू फरदर आप होर छोटे हिस्सों तोड़िए तो ये छोटे पीस होर हो जो अपनी तोड़ी जाइए एक लिमिट तो आप एक इन्ने छोटे पार्टीकल पर पहुँचा जिन्हों आप अगे नहीं तोड़ सकते तो वह पार्टीकल जड़ा फरदर नहीं टुट सकता वह पार्टीकल जड़ा होगा इन डिविजिबल. द पार्टीकल विच इज इन डिविजिबल जड़ा तुसी फरदर ब्रेक नहीं कर सकते फरदर तोड़ नहीं सकते वह पार्टीकल नूं आपां की बोलते हैं एटम. दैट पार्टीकल इज एटम. तो एटम की है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. तो कोई भी पदार्थ की जी सब तो छोटी इकाई है या कोई भी पदार्थ में जो आप जिन्ना मर्जी तोड़ी जाइए जो सब तो छोटा हिस्सा है उन्होंने आप बोलते हैं मैटर. उन्होंने बोलना सॉरी एटम. हूँ ये पहली बार किने दसा से भी हाँ मैटर नाम की चीज़ होंगी है या एटम नाम की चीज़ होंगी है तो आपने एक ऋषि से जिन्हों का नाम से महारिषि कड्डण का सब तो पहला परसन जिन्होंने एटम बारे दसिया तो वह नाम की सगा महारिषि कन्नड़. महारिषि कन्नड़ ने पहली बार मैटर बारे दसिया तो उन्होंने मैटर नू आपदी भाषा दे विच की कहा सी पदार्थ. उन्होंने मैटर नू की कहा सी पदार्थ तो उन्होंने एटम नू की कहा सी परमाणु. उन्होंने एटम नू की कहा सी परमाणु. तो वट इज़ मैटर तो वट इज़ एटम मे बी सू क्लीयर होगा. तो मैटर की है कोई भी यही चीज़ जी जगह घेरे तो वह कोई ना कोई भार हो जे आप तोड़ी जाइए होर छोटे पीस तो जी सब तो छोटी आप कही सब तो छोटा जो पार्टीकल होगा जो कण होगा वो कण में आप बोलते हैं एटम. ये सब तो पहला ये बारे अपने इंडिया चो कि साइंटिस्ट ने या कि परसन ने दसा सी महारिषि कन्नड़. कि होर कोई परसन भी सी जिन्हें आपां नूं इस एटम बारे दसिया. बिल्कुल तो जेड़े परसन ने एटम नाम दिता जेड़े परसन ने परमाणु की जगह उन्होंने नाम दिता एटम वह परसन का नाम से जॉन डाल्टन. वह परसन का नाम से जॉन डाल्टन. तो जॉन डाल्टन वो पहला परसन से जिन्हें आपां नूं एटम ते एटम दी क्वालिटीज़ बारे दस्या. तो वह परसन सीगा जॉन डाल्टन जिन्हें आपां नूं एटम ते एटम दी क्वालिटीज़ बारे दस्या. सो आपां हुण डिस्कस करांगे कि जॉन डाल्टन ने एटम बारे की दस्या. स्टूडेंट्स की सानूं क्लीयर है समझ आ रहा सानूं प्लीज़ तुसीं कमेंट्स करके दस सकदे हो. जे सानूं कोई भी डाउट है कोई भी चीज़ थोड़े से पूछनी है तुसीं पूछ सकदे हो. कोई भी यह जी चीज़ जी जगह घेरे तो वह कोई ना कोई भार होनू आप बोलते हैं मैटर या आप कहे पदार्थ. जे जे आप पदार्थ में छोटे छोटे हिस्सों तोड़िए तो आप एक लिमिट पर जाके एक अजे पार्टीकल पर पहुँचा जो फरदर टुट नहीं सकता. तो जोड़ा वह समोलैसट पार्टीकल है वह समोलैसट पार्टीकल आप बोलेंगे द समोलैसट पार्टीकल इज एटम. तो कि परसन सी इंडिया का जिन्हें आपू एटम बारे दसिया
उन्हों का नाम से महारिषि कन्नड़, तो जो साइंटिस्ट जिन्हें वो चीज़ को एटम का नाम दिता उन्हों का नाम से जॉन डाल्टन। हुण जॉन डाल्टन ने अपन एटम दी कई क्वालिटीज़ बारे दसिया, वो कि क्वालिटी सी जड़िया भी उन्होंने एटम दी क्वालिटीज़ दसिया उन्होंने आप बोलते हैं पोस्टूलेट्स। जड़िया भी उन्होंने एटम बारे क्वालिटीज़ दसिया वो क्वालिटीज़ में आप बोलते हैं पोस्टूलेट्स। सो पोस्टूलेट्स ऑफ जॉन डाल्टन फॉर एटम, पोस्टूलेट मतलब जड़िया जड़िया गल्ला एटम दिया या एटम दिया जड़िया प्रॉपर्टीज़ ने वो पर्सन ने दित्तियां, तो क्वालिटीज़ नू आया प्रॉपर्टीज़ नू आपां की बोलते हैं पोस्टूलेट। तो आप वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जी सब तो पहली प्रॉपर्टी जॉन डाल्टन ने एटम बारे दसी वो की सी, उन्होंने कहा एटम इज इनडिविजिबल, कि जो एटम है वह इनडिविजिबल है वो फरदर नहीं टुट सकता। एटम जो है वो की है इनडिविजिबल, दैट इज एटम इज अ वैरी टाइनी पार्टीकल्स, जोड़े एटम है वह सब तो छोटा कण है, इस तो छोटा कण आप नहीं लभ सकते। दूजा आप जो गल करिए लोहा, जोड़ा आयरन है, आयरन जोड़ा है वह आयरन के ही एटम्स तो बनया हुआ है, जोड़ा लोहा है वह सिर्फ लोहे के एटम्स तो बनया। जे गल करिए कॉपर, तांबा, तांबा कि तो बनया तांबे के ही एटम्स तो, वह बनया कॉपर के एटम्स तो। इन्हों का अगला सिद्धांत की सी या अगली इन्होंने जी एटम बारे गल दसी वो की सी, भी एक तरह के एटम्स, एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट। उरे मैं एलीमेंट किनू कह रहा, आयरन ते कॉपर या जिहड़ियां भी चीज़ां ने, होर हो गया गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया, जिहड़ियां भी चीज़ां ने जिहड़ियां तुसीं धातां देखदे हो चाहे गोल्ड है सिल्वर है प्लैटीनम है कॉपर है आयरन है सोडियम है पोटाशियम हाइड्रोजन, ये सारे एलीमेंट्स ने, तो हरेक जिहड़ा एलीमेंट वो की तो मिलकर बने एटम्स तो। जॉन डाल्टन ने कहा भी सेम एलीमेंट जो कोई चीज़ लोहे तो बनी है तो वो सारे के सारे एटम एको वर्गे होंगे, एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट हैव सेम मास, एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट हैव सेम मास एंड सेम फिजिकल एंड कैमिकल प्रॉपर्टीज़। इन्होंने कहा भी एको तरह के एलीमेंट के सारे एटम जोड़े है एको तरह के होंगे। जो आप गल करिए कोई अपने को लोहे का पीस है तो लोहे का पीस कितों बनया लोहे के एटम्स तो, लोहे के जिन्हें भी लोहे वाले एटम ने उन्हों सार भार सेम होगा तो उन्होंने सार्या का रंग भी सेम होगा तो बाकी प्रॉपर्टीज़ भी उन्होंने सेम हो। इन्होंने अगे की कहा भी जोड़ा एटम है एटम कैन नाइदर बी क्रिएटिड, एटम ना तो आप खुद बना सकते हैं ना ही आप बने हुए एटम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो एटम क्रिएट किया जा सकता है ना ही एटम तोड़िया जा सकता है, ना ही एटम क्रिएट किया जा सकता है ना ही इन्हों डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो यह जो कुछ किने दसिया जॉन डाल्टन ने, सर जॉन डाल्टन। हुण आप अगे डिस्कस करते हैं, इन्होंने कहा भी एटम जोड़ा है इनडिविजिबल है, लेकिन कोई भी चीज़ इन्होंने स्टार्टिंग करी इस तो बाद साइंटिस्ट ने होर वर्क करिया भी सच्ची एटम अगे नहीं टुट सकता, लेकिन बाद विच जो होर एक्सपैरीमेंट किए गए जो बाद दे विच होर साइंटिस्ट ने करे एक्सपैरीमेंट तो उन्होंने की पाया, उन्होंने देखा कि एटम के अगे भी पार्टीकल ने। अपन तो ऐ लगता सी भी एटम होर किसी चीज़ तो नहीं बने, एटम बस यही सब तो छोटी इकाई है, लेकिन जो होर एक्सपैरीमेंट करे गए तो अपन पता लग्या भी नहीं एटम के अंदर भी होर छोटे पार्टीकल ने, कि एटम के अंदर भी की ने होर पार्टीकल ने। तो जेड़े पार्टीकल एटम के अंदर पाए जाते हैं उन्होंने आप बोलते हैं सब एटोमिक पार्टीकल, उन्होंने आप बोलते हैं सब एटोमिक पार्टीकल, कि जोड़ा एटम है वह फरदर भी होर छोटे छोटे पीसीज के टुट सकता है या वह होर छोटे छोटे पार्टीकल तो मिलकर बने। तो आप हूँ डिस्कस करा वो सारे के सारे एक्सपैरीमेंट तो कि परसन ने वो एक्सपैरीमेंट करे तो कि सब एटोमिक पार्टीकल लभ्या। तो आप वन बाय वन हूँ डिस्कस करते हैं ये सारे पार्टीकल्स के बारे। तो जोड़ा सब तो पहला एक्सपैरीमेंट किया गया वह है सर जे जे थॉमसन, जिन्होंने ये कहा भी एटम के अगे भी सब एटोमिक पार्टीकल ने, कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे पार्टीकल ने। तो वह पहला परसन जिन्हें कहा भी हाँ एटम के अगे भी छोटे छोटे पार्टीकल ने, उन्होंने नाम से सर जे जे थॉमसन। इन्होंने की कहा भी एटम के अंदर एक पार्टीकल है, इन्होंने जोड़ा पार्टीकल लभ्या नाम से इलैक्ट्रॉन,
सर जे जे थॉमसन ने जेड़ा सब एटोमिक पार्टिकल लभ्या उहदा नाम की सीगा इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन इज द फस्ट सब एटोमिक पार्टिकल जिहड़ा डिस्कवर किया गया सी। देखो एक चीज़ होंदी है डिस्कवरी, एक होंदी है इनवेंशन। डिस्कवरी वो चीज़ को कहते हैं जी पहले ही पाई जाती है, आपने तो सिर्फ उन्होंने फाइंड आउट करे। इनवेंशन जी आपने खुद चीज़ बनाई है जी पहला एग्जिस्ट नहीं करती सी, जी पहला नहीं हैगी सी, आपने वो खुद बनाई है अपने दिमाग में। डिस्कवरी का मतलब जी चीज़ पहले ही हैगी सी, आपने वो लभी है भी हाँ एवें हुंदा सी। तो एटम के अंदर जो सब तो पहला सब एटोमिक पार्टीकल लभ्या गया वो किहड़ा सी इलैक्ट्रॉन, वह किने लभ्या सी सर जे जे थॉमसन ने। तो सर जे जे थॉमसन ने पहला सब एटोमिक पार्टीकल लभ्या एक एक्सपैरीमेंट करके, तो जोड़ा वो एक्सपैरीमेंट करया वो एक्सपैरीमेंट का नाम है कैथोड रे एक्सपैरीमेंट। इन्होंने एक एक्सपैरीमेंट कराया कैथोड रे एक्सपैरीमेंट। इन्होंने कराया कि इन्होंने एक गैस ली एक ट्यूब के कंच की बनी हुई ट्यूब होंगी एवं शेप की, ये ट्यूब दे विच उन्होंने पास करिया इलैक्ट्रिक करंट। ये ट्यूब दे विच उन्होंने पास करिया इलैक्ट्रिक करंट, पॉजिटिव आ नैगेटिव। जो इन्होंने ये एक रखी गैस, ये गैस च जो करंट पास करिया तो इन्होंने एक रेज नू आंदे देखिया। रेज जिहड़ी हैगी आ किधर तो किधर आ रही सी, नैगेटिव टर्मीनल तो पॉजिटिव टर्मीनल वाल आ रही सी। जड़ियाँ ए रेज सी इन्हों का नाम की रख्या गया कैथोड रेज। इन्हों पता लग्या भी पॉजिटिव वाले पासे तो सिर्फ केड़ी चीज़ ही आ सकती है, पॉजिटिव वाले पासे वो चीज़ आ सकती है जिद उत्ते चार्ज की होगा नैगेटिव। तो इन्होंने देखिया भी जो ही गैस चो करंट पास कराया गया कुछ किरणा जड़ियाँ है वो पॉजिटिव टर्मीनल वाल आ रही ने, पॉजिटिव वाली चीज़ उ आ सकती है जिद उत्ते खुद कि चार्ज हो नैगेटिव। तो इन्होंने कहा भी एटम के अंदर कुछ नैगेटिव पार्टीकल ने कि उही नैगेटिव पार्टीकल किधर नू आ रहे ने, पॉजिटिव टर्मीनल वाल आ रहे ने। तो पहली बार वो नैगेटिव इलैक्ट्रॉन या भी कही आप कहीए भी पहली बार एटम के अंदर पहला जो सब एटोमिक पार्टीकल से जो इलैक्ट्रॉन है उन्होंने ये एक्सपैरीमेंट थ्रू लभ्या। इनू कैथोड रे एक्सपैरीमेंट भी कह सकते हैं, इनू आप डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट भी कह सकते हैं, इनू आप होर की बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपैरीमेंट। क्यों? बिकॉज आ जी ट्यूब आप यूज़ कर रहे हैं यदा नाम की है डिस्चार्ज ट्यूब है, यदा नाम की है डिस्चार्ज ट्यूब। हूँ एक होर चीज़ भी सोनू शायद क्लीयर हुई हो कि जो इलैक्ट्रॉन है वो उत्ते चार्ज कि होगा। देखो पॉजिटिव टर्मीनल वाल कि चीज़ ही आऊगी नैगेटिव, तो इलैक्ट्रॉन के उत्ते चार्ज होंगे, इलैक्ट्रॉन इज नैगेटिवली चार्ज पार्टीकल, इलैक्ट्रॉन के उत्ते नैगेटिव चार्ज होंगे। जो हूँ आप गल करिए नैगेटिव पॉजिटिव, ये अपन सारे क्लीयर है कि जी बैटरी होंगी वो एक पॉजिटिव होंगे एक नैगेटिव होंगे, तो एवं इलैक्ट्रॉन के उत्ते की होंगे नैगेटिव चार्ज। हूँ कई बार की होंगे कोई बैटरी के उत्ते जो आप हाथ लगाइए कोई भी तार आप हाथ लाइए कई बार आपको करंट घट महसूस होंगे। एग्जाम्पल जो आप अपने घर जो टाइम पीस के सैल यूज होंगे जो उन्होंने कई बार टच कर लिया आपको कोई भी करंट फील नहीं होंगे, लेकिन जो मोबाइल फोन की बैटरी है उन्होंने कई बार आप टंग के उत्ते लगाने तो जीभ के उत्ते जो लगाने आपको थोड़ा करंट फील होंगे। जे हूँ आप होर सप्लाई की गल करिए उत्थे आपको करंट ज़्यादा फील होंगे। तो किसी चीज़ के चार्ज घट होंगे किसी चीज़ के चार्ज वध होंगे, तो चार्ज नू भी आप माप सकते हैं। तो चार्ज नू आप यूनिट के माप रहे हैं कूलम, चार्ज नू आप यूनिट के माप रहे हैं कूलम। कूलम का सिंबल हैगा सी, कोई भी चीज़ के उत्ते कि चार्ज है इनू आप मापते हैं बाय इन द यूनिट्स कूलम। एग्जाम्पल आप कि डिस्टेंस ट्रैवल करें उन्होंने आप मैयर करते हैं मीटर या किलोमीटर से, ता ही किसी चीज़ के उत्ते चार्ज किन्ना है उन्होंने आप मैयर करते हैं इन द यूनिट्स कूलम। तो इलैक्ट्रॉन के उत्ते भी चार्ज होंगे, इलैक्ट्रॉन पर कि चार्ज है नैगेटिव चार्ज है, तो इलैक्ट्रॉन पर कि नैगेटिव चार्ज होंगे, इलैक्ट्रॉन पर होंगे नैगेटिव चार्ज माइनस एक बटा छे, माइनस माइनस मतलब नैगेटिव, माइनस एक पॉइंट छे इंटू दस की पावर माइनस उन्नी कूलम। एक इलैक्ट्रॉन पर कि नैगेटिव चार्ज होंगे माइनस एक पॉइंट छे इंटू दस की पावर माइनस उन्नी कूलम। एक होर चीज़ मैं सुन क्या एटम की है, एटम बहुत छोटा कण है। जो अपने को मान लो एक किलो लोहा है, एक किलो लोहा उन्होंने भी आप छोटे तो छोटा पीस तोड़ी जाइए जोड़ा वह सब तो छोटा पीस जो आप मनीए वह ग्राम भी नहीं होना, वह तो बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो इलैक्ट्रॉन तो एटम के अगे प्रेजेंट है,
पहला तो एटम का ही भार बहुत घट होगा, एटम के अंदर की प्रेजेंट है इलैक्ट्रॉन, तो इलैक्ट्रॉन का भार तो बहुत घट होगा, तो इलैक्ट्रॉन का मास कितना होंगे, इलैक्ट्रॉन का मास होंगे 9.1 गुणा 10^-31 किलोग्राम। एक इलैक्ट्रॉन का मास कितना होंगे 9.1 गुणा 10^-31 किलोग्राम। तो पहला सब एटोमिक पार्टीकल जिहड़ा लभ्या गया उहदा नाम की सी इलैक्ट्रॉन, तो उहदे उत्ते चार्ज किहड़ा होंदा नैगेटिव चार्ज होंदा, किहड़े परसन ने लभ्या सी सर जे जे थॉमसन, तो किहड़े एक्सपैरीमेंट के थ्रू लभ्या सी कैथोड रे एक्सपैरीमेंट के थ्रू यह लभ्या गया सी। होप सो तुहानू समझ आया होगा। एक होर चीज़ पेपर का बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि किसी भी चीज़ के उत्ते चार्ज किहड़ा किन्ना है उन्होंने आप कि यूनिट के मैयर करते हैं, तो वह जो चार्ज है इट इज़ मैयर्ड इन द यूनिट्स दैट इज़ कूलम, तो कूलम का सिंबल की है सी, कूलम को आप शॉर्ट फॉर्म से सी ज रिप्रजेंट करते हैं। हूँ आप डिस्कस करते हैं अपना सैकेंड सब एटोमिक पार्टीकल, आप डिस्कस करते हैं हूँ सैकेंड सब एटोमिक पार्टीकल जिन्हों लभ्या सी द परसन इज गोल्डस्टीन, आर्नस्ट गोल्डस्टीन, इन्हों का पूरा नाम से आर्नस्ट गोल्डस्टीन। तो हम देखते हैं गोल्डस्टीन ने किहड़ा पार्टीकल लभ्या, तो गोल्डस्टीन ने कहा भी जे एटम के अंदर नैगेटिव चार्ज है, जे एटम के अंदर नैगेटिवली चार्ज है तो वो अंदर पॉजिटिवली चार्ज भी होगा। एक चीज़ के जी आप उपर डिस्कस करना रह गया, एटम दी क्वालिटीज़ किने दसियां सी सर जॉन डाल्टन ने, एटम दी क्वालिटीज़ किने दसियां सी सर जॉन डाल्टन ने, उन्होंने एक होर चीज़ भी कही सी भी जिहड़ा एटम है वह ओवरऑल न्यूट्रल है, एटम इज इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम के उत्ते ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होंदा। सर जॉन डाल्टन ने कहा सी भी एटम के उत्ते ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होंदा। तुसी इह चीज़ देख ही सकते हो जिहड़ी तार चों करंट पास नहीं करता वह तार दे उन्हूं तुसी हाथ लगाओ तो सानू कुछ भी फील नहीं होना, हाँ जे वह तार चों करंट फ्लो कर रहा है फिर सानू झटका लगता है। यह क्यों, वह तार भी कितों बनी है, तांबे तो ही बनी होगी, एलमीनियम तो बनी होगी, एलमीनियम कितों बने, एलमीनियम के एटम तो, आपां नूं कदे भी वह तो करंट फील नहीं होंदा या आपां नूं झटका महसूस नहीं होंदा, क्यों, हरेक एटम की है इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ वो अलग गल है जदों आपां जो करंट पास करते फिर आपां नूं चार्ज फील होंदा। तो जॉन डाल्टन ने कहा सी भी एटम के उत्ते ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होंदा, बट जॉन डाल्टन ने एक एक्सपैरीमेंट के थ्रू लभ्या कि एटम के अंदर तो नैगेटिवली चार्ज पार्टीकल होंदे ने, तो गोल्डस्टीन ने कहा भी जो ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, ओवरऑल एटम न्यूट्रल है, उतों की जे जे थॉमसन ने कहा भी वो अंदर तो नैगेटिव चार्ज पार्टीकल होंगे ने कि वो अंदर तो इलैक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल वो न्यूट्रल कदों हो सकता है जे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टीकल भी हो। गोल्डस्टीन ने कहा भी एटम तो न्यूट्रल सिर्फ उदों हो सकता है जे नैगेटिव के नाल नाल पॉजिटिवली चार्ज पार्टीकल भी हो। तो गोल्डस्टीन ने पॉजिटिवली चार्ज पार्टीकल बारे दसिया, तो वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टीकल का नाम की है प्रोटोन, वह पॉजिटिवली चार्ज पार्टीकल का नाम की है प्रोटोन। तो गोल्डस्टीन ने दूसरा सब एटोमिक पार्टीकल डिस्कवर करे। सो वट इज़ द सैकेंड सब एटोमिक पार्टीकल, द सैकेंड सब एटोमिक पार्टीकल इज प्रोटोन, एंड हू डिस्कवर्ड द प्रोटोन, द प्रोटोन किने डिस्कवर करे, गोल्डस्टीन ने। जिन्ना एक इलैक्ट्रॉन ते नैगेटिव चार्ज होंदा उन्ना ही एक प्रोटोन ते की होंदा पॉजिटिव चार्ज। एक इलैक्ट्रॉन ते नैगेटिव चार्ज किन्ना, 1.6×10^-19 कूलम, तो एक प्रोटोन ते किन्ना होगा, तो एक प्रोटोन ते होगा +1.6×10^-19 कूलम। तो सानू याद रखना एक इलैक्ट्रॉन ते जिन्ना नैगेटिव चार्ज होंदा उन्ना ही एक प्रोटोन ते की होंदा पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जो मास ऑफ इलैक्ट्रॉन है वह काफ़ी घट होंगे, जिनी 10^-2 के ज़्यादा होगी उन्नी चीज़ वह हल्की होगी। एग्जाम्पल एक इलैक्ट्रॉन का भार कितना होंगे, 9.1×10^-31 किलोग्राम। लेकिन एक प्रोटोन का मास कितना होंगे, एक प्रोटोन का मास है 1.67×10^-27 किलोग्राम, 1.67×10^-27 किलोग्राम। मे भी सुना लग रहा भी सर आ वड्डी है, नहीं, जिनी नैगेटिव च क्वांटिटी वड्डी होंदी है, जिनी माइनस क्वांटिटी वड्डी होवे ओवरऑल वो वैल्यू छोटी होंदी है, तो यह वैल्यू छोटी है एज कंपेरेटिव टू द मास ऑफ प्रोटोन। क्लीयर है,
मास ऑफ प्रोटोन कितना ज्यादा होंगे, जो प्रोटोन है वह लगभग 2000 गुना भारी होंगे दैन इलैक्ट्रॉन। जोड़ा प्रोटोन है वह लगभग, ये प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर तो है 1837 गुना भारी होंगे, लेकिन कई बुक्स के 2000 भी लिख देते हैं। तो जो प्रोटोन है वह लगभग किन्ना भारी होंगे इलैक्ट्रॉन नालों 2000 गुना भारी होंगे। स्टूडेंट्स की सूँ अभी तक क्लीयर है, स्टूडेंट्स की सूँ अभी तक क्लीयर है। न्यूट्रल्स, ओके न्यूट्रल सूँ समझ नहीं आया, सूँ न्यूट्रल वगैरह समझ आ गया, या कोई भी जो सूँ अभी तक डाउट है तुसी पूछ सकते हो। राजी थोड़े कमेंट तुसी कर सकते हो, जो सूँ कोई भी डाउट है तुसी पूछ सकते हो, जो सूँ कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही। क्लीयर, ओके चलो आप हूँ अगे डिस्कस करते हैं। ओके देखो हूँ आप डिस्कस करते हैं अगे तीजा सब एटोमिक पार्टिकल। ओके राजे हूँ आप डिस्कस करते हैं तीजा सब एटोमिक पार्टिकल। थर्ड सब एटोमिक पार्टिकल जेडे परसन ने लभ्या सी उन्हों का नाम है जेम्स चैडविक, उन्हों का नाम है सर जेम्स चैडविक। हूँ जेम्स चैडविक आए, इन्होंने की देखिया, आपां पहले ही एटम का भार पता सी। हूँ देखा जाए मैं सूँ ये चीज़ को समझाने लिए कोई एग्जाम्पल है ना, अपने कोल कोई एक बैग है, अपने कोल कोई बैग है, ये किसी परसन को पूछा गया भी हाँ ये की प्रेजेंट है, वह कहता भी ये 200 ग्राम के 3 पैकेट ने, वह कहता ये 200 ग्राम के 3 पैकेट ने, तो कोई होर चीज़ है वो ना 250 ग्राम के 4 पैकेट ने, 250 ग्राम के 250 ग्राम के 4 पैकेट्स ने। तो देखा जाए ओवरऑल बैग का भार कितना होना चाहिए, 600 ग्राम उरों आ गया ते 1000 ग्राम उरों आ गया, तो टोटल भार यदा 1600 ग्राम होना चाहिए, या वो तो वह माड़ा बैग जोड़ा बैग के चीज़ा पे भार ला लो 50 ग्राम वह मान लो, चलो कि हो गया 1650 ग्राम ही होना चाहिए। लेकिन जो बैग तोलिया गया बैग का भार आ गया 2130 ग्राम, यदा मतलब की है कि उन्होंने या तो कुछ झूठ दसे, या तो उन्होंने पैकेट घट दसे ने, या ये कोई होर तरह के पैकेट भी प्रेजेंट ने जोड़े वो काउंट करना भुल गए। मिला दस हूँ मेरी गल समझ आई होगी, एक परसन तो जब पूछा गया भी बैग के की है, तो वह कहता भी 200 ग्राम के 3 पैकेट ने, 250 ग्राम के 4 पैकेट ने, तो ये हिसाब ना बैग का जोड़ा भार है वह 1600 ग्राम होना चाहिए सी, लेकिन बैग का जोड़ा भार है ओवरऑल कि आ रहा है 2130 ग्राम, यदा मतलब कुछ ये होर चीज भी ये प्रेजेंट है, ये होर कोई चीज़ भी हैगी है। सेम चीज़ एटम के अंदर सी, आपां नूं टोटल ओवरऑल एटम का भार पता सी, आपां ने एटम का भार कैलकुलेट कर लिया, आपां ने होर की फाइंड कर लिया भी हाँ जिन्हें भी वो अंदर इलैक्ट्रॉन ने, इलैक्ट्रॉन नूं आपां ई नैगेटिव नाल शो करते हैं, आपां ने सारे के सारे इलैक्ट्रॉन का भार भी जोड़ लिया, आपां ने सारे के सारे प्रोटोन का भार जोड़ लिया, लेकिन हजे भी आपां की नोटिस कर रहे हैं भी इन्हां दोनों का जिहड़ा मिला के भार बनता है वह एटम नालों घट है, सारे के सारे इलैक्ट्रॉन के सारे सारे प्रोटोन का मास की आया लैस आया, लैस LESS, ओके इन्हों का भार क्या आया घट आया, कि दैन द वेट ऑफ और वी कैन से दैन द मास ऑफ एटम, तो मास ऑफ एटम की सी ज़्यादा लेकिन इलैक्ट्रॉन के प्रोटोन का मास मिला के की सी घट। तो सर जेम्स चैडविक ने कहा भी एटम के अंदर एक होर तरह के पार्टीकल भी प्रेजेंट ने, हाँ इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन करके एटम तो न्यूट्रल हो गया, मतलब एटम के उत्ते ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक यह जी चीज़ है जिदे करके एटम का मास डिपेंड करता है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन का मिला के मास जिहड़ा हैगा वो एटम के बराबर नहीं बन पा रहा सी, तो उन्होंने कहा एक होर तरह के पार्टीकल भी एटम के अंदर प्रेजेंट ने जिदे उत्ते कोई चार्ज तो हुंदा नहीं लेकिन उहदा की हुंदा मास, तो उन्होंने तीजे सब एटोमिक पार्टीकल बारे इस तरह दसिया, उन्होंने तीजे सब एटोमिक पार्टीकल बारे दसिया इस वे नाल, ते वो तीजा सब एटोमिक पार्टीकल का नाम की है न्यूट्रॉन। तीजा सब एटोमिक पार्टीकल किहड़े परसन ने लभ्या, सर जेम्स चैडविक ने।
जेम्स चैडविक ने जिहड़ा सब एटोमिक पार्टिकल लभिया उहदा नाम की है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ते कोई चार्ज नहीं हुंदा। न्यूट्रॉन एक अहेरा पार्टिकल है जिहदे उत्ते किन्ना चार्ज है, जीरो कूलम। ओवरऑल न्यूट्रॉन ते किन्ना चार्ज हुंदा, जीरो कूलम, मतलब नो चार्ज। ना तो ये कोई पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, ना ही की हुंदा है कोई नैगेटिव चार्ज। लेकिन न्यूट्रॉन इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन दोनों तो भारी है, तो सब तो ज़्यादा हैवीएसट सब एटोमिक पार्टीकल केड़ा है? तिना चो सब तो भारी सब एटोमिक पार्टीकल केड़ा है? तो सब तो ज़्यादा भारी सब एटोमिक पार्टीकल है न्यूट्रॉन। केड़े परसन ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी? तो उन्होंने डिस्कवर करया सर जेम्स चैडविक ने। होपसो थोड़ा समझ आया होगा। एक होर चीज़ मैं थोड़ा दसनी सी, उरे जड़ा यह एक्सपैरीमेंट कर गोल्ड स्टेन ने, गोल्ड स्टेन ने प्रोटोन लभ्या। इग्जाम्पल इलैक्ट्रॉन लभन वास्ते कैथोड रे एक्सपैरीमेंट होया, आई प्रोटोन लभन वास्ते केड़ा एक्सपैरीमेंट किया गया? एनोड रे एक्सपैरीमेंट। केड़ा रे एक्सपैरीमेंट? एनोड रे एक्सपैरीमेंट, एनोड रे एक्सपैरीमेंट। तब क्या जड़ा कैथोड रे एक्सपैरीमेंट है, उदे नाल आपां नूं इलैक्ट्रॉन मिले, एंड कैथोड एनोड रे एक्सपैरीमेंट नाल आपां नूं प्रोटोन मिले। होप सो थोड़ा ये चीज़ समझ आई होगी। तो जेम्स चैडविक ने किहड़ा सब एटोमिक पार्टिकल लभ्या? न्यूट्रॉन। और तक स्टूडेंट्स अगर सू कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, स्टूडेंट्स अगर सू और तक कोई डाउट है। देखो आपने तिने सब एटोमिक पार्टिकल डिस्कस कर ले, भी जोड़े एटम है वो अंदर अगे भी तीन तरह के पार्टिकल होंगे ने। तो एटम के अंदर जोड़े तीन तरह के पार्टिकल ने कि है इलैक्ट्रॉन प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। आपने बोलना भी यही सेंस है ताकि आपने ये याद रह जाए भी पहला किड़ा लभ्या गया सी। तो सब तो पहला जिहड़ा सब एटोमिक पार्टिकल लभ्या गया सी उहदा नाम है इलैक्ट्रॉन, फिर उस तो बाद किड़ा लभ्या गया प्रोटोन, फिर किड़ा लभ्या गया न्यूट्रॉन। तो इलैक्ट्रॉन किने लभ्या सी कोई दस सकदा है कि इलैक्ट्रॉन किने लभ्या सी? इलैक्ट्रॉन इज़ अ डिस्कवर्ड बाय स्टूडेंट्स की तुसीं दस सकदे हो कि जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा सब एटोमिक पार्टिकल है वह किहड़े परसन ने लभ्या सी? चलो मैं दस दें, इलैक्ट्रॉन इज़ डिस्कवर्ड बाय सर जे जे थॉमसन। इलैक्ट्रॉन को डिस्कवर करया सर जे जे थॉमसन ने, प्रोटोन डिस्कवर करया सर गोल्ड स्टेन ने, एंड न्यूट्रॉन किने डिस्कवर करया? न्यूट्रॉन डिस्कवर करया न्यूट्रॉन डिस्कवर करया सर जेम्स चैडविक ने। ओके चलो आप हम डिस्कस करते हैं अगे, आप थोड़ा रीकैप करते हैं, आप इन्हों करते हैं रीकैप। तो सब तो पहला एटम की डिस्कवरी, ठीक है, उरे आप लिखांगे नेम ऑफ साइंटिस्ट, उरे आप लिखते हैं नेम ऑफ साइंटिस्ट, उरे ओदी की डिस्कवरी सी, उन्हें की करया डिस्कवर। तो सब तो पहला परसन जड़ा पूछ सकते हैं कि महारिषि कन्नड़ ने की लभ्या, तो महारिषि कन्नड़ ने किदे बारे दस्या? उन्होंने दस्या आपां पदार्थ ते परमाणु बारे। उन्होंने आपां दस्या पदार्थ एंड परमाणु बारे। पदार्थ उन्होंने किनू कहा सी? मैटर नू। ते परमाणु किने कहा? परमाणु किनू कहा सी? परमाणु कहा सी उन्होंने एटम नू। फिर इस तो बाद जड़ा परसन आए उन्होंने नाम सी सर जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने की डिस्कवरी करी? एटम दी। ते उन्होंने एटम दे बारे काफ़ी की दसियां प्रॉपर्टीज दसियां। फिर जड़ा परसन आया जिन्हें एटम दे अगे खोज करी सर जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन वो टीचर ऑफ टीचर भी कह देंगे, इन बोलते हैं टीचर ऑफ टीचर, टीचर ऑफ टीचर, ये टीचर का भी टीचर से। इन्होंने की डिस्कवरी करी? नैगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रॉन की। इलैक्ट्रॉन से कड़ा चार्ज होंगे? नैगेटिव चार्ज। इलैक्ट्रॉन से कड़ा चार्ज होंगे? नैगेटिव चार्ज। अच्छा आप चार्ज न किड़े यूनिट्स मैयर करते हैं? तो आप चार्ज न मैयर करते हैं इन द यूनिट्स कॉल्ड एज कूलम। तो आप चार्ज में मैयर करते हैं कूलम च। इस तो बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने नाम की सीगा? गोल्ड स्टेन। गोल्ड स्टेन, गोल्ड स्टेन ने किड़े पार्टीकल की खोज करी? किड़े सब एटोमिक पार्टीकल की? इन्होंने डिस्कवरी करी प्रोटोन की। प्रोटोन से किड़ा चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो जिन्ना एक इलैक्ट्रॉन से नैगेटिव चार्ज होंगे उन्ना एक प्रोटोन से की होंगे? पॉजिटिव चार्ज। इलैक्ट्रॉन आप लिखते हैं ई नैगेटिव, प्रोटोन आप लिखते हैं पी पॉजिटिव।
देन द पर्सन लीड टू द डिस्कवरी इज जेम्स चैडविक। आफ्टरवर्ड्स कौन सा केड़ा पर्सन आया जिन्हें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। सो द पर्सन हु डिस्कवर्ड द लास्ट सब एटोमिक पार्टिकल इज न्यूट्रॉन एंड द पर्सन इज जेम्स चैडविक। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए न्यूट्रॉन पर कि चार्ज होंगे, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल और वी कैन से न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होंगे, ना तो वो होंगे पॉजिटिव चार्ज ना ही वो की होंगे नैगेटिव चार्ज। ओके हूँ आप डिस्कस करा एटम के अंदर इन्हों की पोजिशन कितने है, आप हम डिस्कस करा भी एक एटम के अंदर यह इलैक्ट्रॉन प्रोटोन तो न्यूट्रॉन पाए कितने जाते हैं। तो आप हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अपन जो टॉपिक अच्छ स्टार्ट करे हूँ आप स्टार्टिंग करा अपने डिस्कस कर लिया कि एटम के अंदर होंगे की है। हूँ आप डिस्कस करते हैं भी यह प्रेजेंट कितने कितने ने, कि चीज़ कितने प्रेजेंट है। चलो हूँ आप डिस्कस करते हैं ऑल अबाउट पोजिशन ऑफ डिफरेंट सब एटोमिक पार्टिकल। नाउ वी विल डिस्कस द होल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नाउ वी विल डिस्कस द होल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखो ये है एटम, ये मान लो एटम है। जब उन्हें एटम आप पूरे डिटेल से देखिए तो यह एटम की स्टार्टिंग इतना है। तो सब तो पहला आप डिस्कस करा एटम के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से की। तो सब तो सेंटर के जड़ी चीज़ पाई जाती है उन्होंने की बोलते हैं आप न्यूक्लीयस। सब तो बचाले की होंगे न्यूक्लीयस। न्यूक्लीयस के चारे पासे न्यूक्लीयस के चारे पासे एवं शैल्स बने होंगे। शैल्स शैल्स मतलब तुम कह सकते हो भी सर्कूलर ऑरबिट बने होंगे ने, गोल गोल चक्कर बने होंगे ने, लेकिन असली जो यह कोई रोड नहीं बनी होंगी। ठीक है आप बस इमेजिन करना है भी यह रस्ते ने। एग्जाम्पल अपनी जी अर्थ है धरती है वह भी सूरज के चारे पासे घूमती है, कोई रोड थोड़ी बनी हुई है, वह तो बस एक पाथ के चारे पासे घूमती है, पाथ से घूमती है। आई न्यूक्लीयस के चारे पासे कौन घूमते हैं, इलैक्ट्रॉन। न्यूक्लीयस के चारे पासे सर्कूलर पाथ के गोल चक्कर के कौन घूमते हैं, इलैक्ट्रॉन। न्यूक्लीयस के चारे पासे सर्कूलर ऑरबिट्स कौन घूमते हैं, इलैक्ट्रॉन। हुण यह शैल्स ने जड़े ये सर्कूलर पाथ के इलैक्ट्रॉन घूमते हैं, इन्हों आप बोलते हैं शैल्स। तो आप इवें शो कर सकते सर्कल बना के अपने की शो कर रहे हैं कि अपने इलैक्ट्रॉन ने। तो न्यूक्लीयस के चारे पासे कौन घूमते हैं, इलैक्ट्रॉन। तो इलैक्ट्रॉन की पोजिशन कितने है ये सूँ पता लगी। तो इलैक्ट्रॉन्स की पोजिशन की है, इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लीयस। वट इज़ द पोजिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन, सो वट इज़ द पोजिशन ऑफ इलैक्ट्रॉन, इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लीयस। इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लीयस इन सर्कूलर पाथ, इन सर्कूलर पाथ। वो सर्कूलर पाथ नूं आपां की बोलते हैं, शैल्स। वो सर्कूलर पाथ नूं आपां की बोलते हैं, शैल्स। हुण जे आपां गल करिए इलैक्ट्रॉन तो डिस्कस हो गया भी हाँ इलैक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लीयस चारे पासे। प्रोटोन ते न्यूट्रॉन कितने ने, तो प्रोटोन एज वैल एज न्यूट्रॉन बोथ आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लीयस। तो वह कितने प्रेजेंट ने, न्यूक्लीयस। तो प्रोटोन एज वैल एज न्यूट्रॉन, प्रोटोनस एंड न्यूट्रॉन्स ये दोनों तरह के जोड़े सब एटोमिक पार्टिकल्स ने, इन्हों की पोजिशन की है, दे आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। प्रोटोनस एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड एज न्यूक्लीयस। वट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, वट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। सो एट द सेंटर ऑफ एटम न्यूक्लीयस इज प्रेजेंट। तो न्यूक्लीयस की पाया जाता है, न्यूक्लीयस प्रेजेंट ने प्रोटोन ते न्यूट्रॉन। होप सो थोड़ा समझ आया होगा कि चीज़ कितने प्रेजेंट है। हूँ आप डिस्कस करते हैं अगे कि बारे कि प्रोटोन ते न्यूट्रॉन की कहा जाता है। हूँ प्रोटोन ते न्यूट्रॉन की पोजिशन आपको पता लगी कि दोनों प्रेजेंट ने प्रो न्यूक्लीयस। सो इन दोनों नू मिला के की बोला जाता है, न्यूक्लियोन्स। तो पेपर का एक क्वेश्चन है, डैश एंड डैश आर न्यूक्लियोन्स। न्यूक्लियोन्स केड़े केड़े पार्टीकल नू कहा जाता है, जेडे भी पार्टीकल न्यूक्लीयस पाए जाने उन्होंने की बोलते हैं, न्यूक्लियोन्स। हूँ प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दोनों की पाए जाते हैं, न्यूक्लियोन न्यूक्लीयस। बोथ प्रोटोनस एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लीयस, सो दे आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोन्स।
प्रोटोन ते न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इस करके इन्हां दोनों की बोलते हैं न्यूक्लियोन्स बोलते हैं। तो एक होर चीज, एक एटम दे अंदर हमेशा जिन्ने इलैक्ट्रॉन होंगे उन्ने ही प्रोटोन होंगे। एक एटम दे अंदर जिन्ने नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने उन्ने ही की होंगे ने नंबर ऑफ प्रोटोन्स। द नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन्स। जे इलैक्ट्रॉन ते प्रोटोन की गिनती सेम है, इलैक्ट्रॉन दे करके केड़ा चार्ज होंगे, इलैक्ट्रॉन की वजह नाल होंगे नैगेटिव चार्ज, प्रोटोन दे उत्ते केड़ा चार्ज होंगे पॉजिटिव चार्ज। जे दोनों की काउंटिंग सेम है तो ओवरऑल एटम दे उत्ते चार्ज कितना होगा, जीरो कूलम। तो एटम दे उत्ते ओवरऑल चार्ज कितना होंगे, जीरो कूलम। जिहड़ी चीज़ दे उत्ते ना तो पॉजिटिव चार्ज होवे ना नैगेटिव चार्ज, उन्हों आपां की बोलते हैं न्यूट्रल, उन्हों की बोलते हैं आपां न्यूट्रल। देखा जाए वैसे एटम के अंदर नैगेटिवली चार्ज पार्टीकल भी ने, पॉजिटिव भी है, बट जिन्ने पॉजिटिव चार्ज पार्टीकल ने उन्ने ही की ने नैगेटिव चार्ज पार्टीकल। तो ओवरऑल एटम के उत्ते कोई चार्ज नहीं होंदा, तो एटम की होंदा इलैक्ट्रिकली न्यूट्रल। हुण आपां अगे डिस्कस करते हैं किहदे बारे, शैल्स बारे। हुण मे बी सोने एक चीज़ नोटिस करी होवे, जिहड़ा आह पहला शैल है न्यूक्लियस दे लवे, जिहड़ा आह पहला शैल आह वाला, इहदे विच मैं सिर्फ दो इलैक्ट्रॉन नूं शो करिया। जिहड़ा अगला शैल है, जिहड़ा अगला सर्कूलर पाथ है, इहदे विच मैं टोटल 8 इलैक्ट्रॉन शो करे ने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इहो जिहा क्यों? तो हुण आपां डिस्कस करते हैं भी किहड़े शैल च वध तों वध किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। एवें नहीं हैगा भी किहड़े मर्जी सर्कूलर पाथ च जिन्ने मर्जी इलैक्ट्रॉन आ जाए, नहीं। हर एक शैल का एक नाम है, तो हर एक शैल च वध तों वध किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं यह भी मतलब फिक्स है। पहली गल तां जिहड़े शैल्स का नाम है वह के तो स्टार्ट हुंदा है। जिहड़ा पहला शैल है वह नाम है के शैल, जिहड़ा दूसरा शैल है वह नाम है एल शैल, फिर एम शैल, एवं अगला किहड़ा होगा एन शैल। स्टूडेंट्स की सानूं उर तक क्लीयर है? ओके, पंजाबी दस सकन कोई गल नहीं। देखो मेरा ना शुरू तो ही इंग्लिश बैकग्राउंड रहा या हिंदी तुसी कह सकते, इस करके मैं थोड़ा पंजाबी थोड़ा कई बार मैं नहीं आ पाता। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा कि मैं थोड़ा सारा कुछ पंजाबी दे विच डिटेल च दस सकता। स्टूडेंट्स थोड़ा उर तक समझ आ रहा, जो थोड़ी कोई भी चीज़ पूछनी है तुसी प्लीज़ पूछ सकते हो, जो थोड़ा कोई भी डाउट है तुसी पूछ सकते हो। खैर राजे सुन कोई डाउट, ओके चलो आप हूँ अगे डिस्कस करते हैं। तो आप हूँ डिस्कस करते हैं भी हर एक शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अपने कोल हूँ अपने तीन साइंटिस्ट या वी कह सकते पांच साइंटिस्ट की अपने गल कर ली। सब तो पहला अपने करे महर्षि कन्नड़, उस तो बाद सर जॉन डाल्टन, फिर अपने करे जे जे थॉमसन, गोल्डस्टीन ते जेम्स चैडविक। हुण आपां नूं किवें किहने दस्सिया वी हाँ प्रोटोन उरे हुंदे ने, प्रोटोन ते न्यूट्रॉन न्यूक्लियस हुंदे ने ते इलैक्ट्रॉन दे चारे पासे घूमदे ने। तां हुण मैं तुहानूं कहा सी इक परसन जिहनूं की बोलदे ने टीचर ऑफ ए टीचर, उह टीचर्स दा वी टीचर सी, टीचर ऑफ ए टीचर। तां उहनां दा नाम की सी? सर जे जे थॉमसन, सर जे जे थॉमसन। सर जे जे थॉमसन का जिहड़ा स्टूडेंट सी उन्हां दा नाम सी आर्नस्ट रदरफोर्ड। सर जे जे थॉमसन दे स्टूडेंट का नाम की सी? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इज द साइंटिस्ट जिन्हें आपां नूं न्यूक्लियस बारे दस्या सी। पहली बार जिन्हें आपां नूं न्यूक्लियस बारे दस्या वह साइंटिस्ट का नाम की सी? द परसन हू टोल्ड अस अबाउट द न्यूक्लियस इज रदरफोर्ड। सो रदरफोर्ड ने आपां नूं दस्या न्यूक्लियस बारे, ते रदरफोर्ड ने जिहड़ा एक्सपैरिमेंट करिया सी उहनूं बोलदे ने गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टीकल एक्सपैरिमेंट। गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टीकल एक्सपैरिमेंट। एक खास तरह के पार्टीकल होंदे ने उहनूं अल्फा पार्टीकल बोलदे ने, ते अल्फा नूं एवें लिखा जांदा एवें, ए अल्फा है, ठीक है। अल्फा पार्टीकल के उत्ते केड़ा चार्ज होंगे? पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टीकल के पॉजिटिव चार्ज होंगे, ओके। हुण अल्फा पार्टीकल नूं इन्हां ने सोने की बिल्कुल बिल्कुल पतली
जी आप कहिए थिन तो थिन पतली तो पतली जी शीट होगी वो उत्ते स्ट्राइक कराए काफ़ी ज़्यादा गोल्ड काफ़ी ज़्यादा अल्फा पार्टीकल न सोने की बिल्कुल पतली जी परत होंगी वो उत्ते कराया सोने की बिल्कुल परत तुम कह सकते जी आप मिठाई वगैरह खाने वो उत्ते चांदी या गोल्ड का वर्क लग्या होंगे VARK अपन वर्क लगता वो वार्क होंगे तो वो उत्ते गोल्डन या सिल्वर वर्क लगे होंगे तो वो उत्ते जो इन्होंने अल्फा पार्टीकल्स कराया स्ट्राइक उन्होंने इन्होंने की नोटिस कराया भी जोड़े अल्फा पार्टीकल बिल्कुल एटम की सीध च जा रहे हैं वो वापिस टकरा के आ रहे हैं तो इन्होंने कहा भी एटम के बिल्कुल सेंटर के बहुत ही ज़्यादा कोई भारी चीज़ है जिदे करके अल्फा पार्टीकल बाउंस कर रहे हैं तो इन्होंने वह सेंटर वाली जी चीज़ है जिदा जिन्हों कहा भी बहुत ज़्यादा भारी है वह की नाम रख्या न्यूक्लियस तो एटम के बिल्कुल सेंटर च सब तो ज़्यादा जी हाईली वी कैसे हैवी पार्टीकल हैवी स्पेस है वह नाम रदरफोर्ड ने की रख्या न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किने करी कि स्टूडेंट ने सर JJ थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने उस तो बाद आपां नूं किहने दस्सिया वी जिहड़े इलैक्ट्रॉन ने वह न्यूक्लियस के चारे पासे घूमते हैं वह दस्सिया आपां नूं रदरफोर्ड के स्टूडेंट नील बोहर ने उन्हां दा नाम जिन्हें आपां नूं यह दस्सिया भी हाँ इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारे पासे घूमते हैं उन्हां दा नाम है सर नील बोहर तो नील बोहर ने आपां नूं किहदे बारे दस्सिया मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन के बारे किहदे बारे दस्सिया मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन कि इलैक्ट्रॉन किवें घूमते हैं मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन कह सकते हो या कह सकते हो कि पहला परसन जिन्हें ये दस्या भी हाँ शैल्स के इलैक्ट्रॉन घूमते हैं या जिन्हें शैल्स बारे दस्या नाम की है नील बोहर उन्हों का नाम की है नील बोहर तो नील बोहर ने दस्या भी पहले शैल च पहला शैल मतलब के शैल N1 मतलब पहला शैल N मतलब नंबर ऑफ शैल तो पहले शैल का नाम की है के शैल दूजे शैल का नाम की है L शैल तीजे शैल का नाम M शैल तो किसी शैल च वो तो वो किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं ये आपां नूं किहड़े परसन ने दस्या सर नील बोहर ने तो नील बोहर ने आपां नूं दस्या किहड़े शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिता 2N² का उन्होंने आपां नूं एक फॉर्मूला दिता भी वो तो वो एक शैल च किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं कहिंदे ये आपां नूं पता लगू बाय द फॉर्मूला 2N² जो हुण आपां गल करिए फस्ट शैल की फस्ट शैल का एन किन्ना होगा जिहड़ा के शैल है जिहड़ा के शैल है वह एन किन्ना होगा 1 जे N1 तो उस वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं 2×1 का स्केयर 1 का स्केयर किन्ना होंगे 1×2 किन्ना आ गया 2 तो पहले शैल च वध तो वध किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 जे आप गल करिए दूसरे शैल की L शैल मतलब दूजा शैल तो मतलब सैकेंड एन की वैल्यू 2 तो उस वो तो वो किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं 2×2 का स्केयर किन्ना होंगे 4 तो 2×8 तो एवें करके जोड़े मर्जी शैल का आप कर सकते हैं नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन फाइन कर सकते तो पेपर के क्वेश्चन सूँ की आ सकता है कि M शैल च वो तो वो किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं तो सूँ ये की पता होना चाहिए एक तो फॉर्मूला भी फॉर्मूला की लगेगा 2N² एक सूँ यह भी पता होना चाहिए भी M शैल हैगा कि शैल है तो M शैल तीजा शैल है तो आप नेमिंग जी है वो कि स्टार्ट करते हैं के तो पहले शैल का नाम है के शैल फिर L शैल फिर M शैल स्टूडेंट्स और तक कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो शैल सैल जी हैगी है वह एक कोई जी चीज़ जिंद है वो पाए जाते हैं शैल जी हैगी है वह एटम के अंदर पाए जाते हैं